good morning प्यारे i am lakhan kumar your physics teacher today we will discuss about the chapter 14 of class 12 semiconductors and electronic devices okay in this chapter we read about the semiconductors and the devices based on it okay let me see first of all uh, we read about the energy band theory because ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी हैव टू डिवाइड द मेटीरियल ऑन इन टू सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है वो चीज़ें हम देख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लॉ द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम कैन नाट हैव आर्बिट्रेरी वैल्यू बट ओनली सम डेफिनेट क्वान्टाइज वैल्यू ओके तो हमारे पास मैकेनिक जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर उनके अंदर एक आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होती उसके अंदर एक क्वांटाइज वैल्यू होती है जैसा कि आपने एटम चैप्टर में पढ़ा होगा सभी के एक डिस्क्रीट लेवल होते हैं एनर्जी लेवल्स है ना एटम के अंदर तो वो आपने एनर्जी वाला डायग्राम बनाया भी होगा तो उसके बेसिस पर ये बोल रहे हैं नेक्स्ट वन हाउ एवर इफ़ एन एटम बिलोंग्स टू अ क्रिस्टल देन द एनर्जी लेवल्स आर मोडिफाइड अब जब ये एक एटम की बात करें तब तो ठीक है लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स मिलके एक क्रिस्टल बना लेते हैं तो एनर्जी लेवल्स जो हो जाते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं तो किस तरीके से होते हैं वो देखो दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ़ द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड ओके मतलब ये जो है ये मॉडिफिकेशन जो है वो इनर सेल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता जो कि कंप्लीटली फील्ड है जो कि सबसे नीचे इनर सेल्स की होती है तो बट इन द आउटर मोस्ट सेल्स मोडिफिकेशन इज एप्लीकेबल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मैनी नेबरिंग एटम्स क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री हो सकते हैं तो इसीलिए उसमें मोडिफिकेशन होगा क्योंकि सभी क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वन टू थ्री फोर फाइव है ना सभी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट होंगे तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर भी कर सकते हैं बाय द नेबरिंग एटम है ना तो इसलिए गदर ये चीज़ मिलेगी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कोर ऑफ द एटम एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप एंड स्प्रेड आउट फॉर्मिंग एनर्जी बैंड्स ओके तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कोर है एटम का उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है ठीक है तो वो जो है वो एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट अप कर देता है ठीक है यानी उनको बांट देता है और स्प्रेड होने के बाद वो क्या हो जाते हैं वो एक दूसरे में फॉर्म होने के बाद एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं ठीक है तो वो ये कह रहा है कि आपस में जैसे वो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स जब वो शेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो एटम का कोर है इनसाइड है उनके बीच में मतलब इंट्रैक्शन होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वजह से क्या होते है एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं सभी एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक रेंज बन जाती है ठीक है बट वो रेंज बहुत ही कम एरिया में होती है बहुत ही कम गैप uh, में होती है एनर्जी गैप में होती है तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स ओके तो कंसिडर सिंगल क्रिस्टल ऑफ द सिलीकन हैविंग एन एटम्स ईच एटम कैन बी एसोसिएटेड विद द लेटे साइड ओके तो हम अगर एक uh, मतलब सिलिकन का सिंगल क्रिस्टल हम लेकर चले जिसमें एन एटम्स हैं तो ईच एटम कैन बी एसोसिएटेड विद द लेटे साइड मतलब हर एटम की अपनी क्या होगी एक एनर्जी लेवल होगा और जब हम उसके अंदर मतलब लेकर चलेंगे कि कितने एनर्जी लेवल्स हैं एक बैंड के अंदर तो उसमें एन एनर्जी लेवल्स होंगे है ना तो जो कि क्या हो जाएंगे इंटरेप्ट हो जाएंगे और इंटरेप्ट होने के बाद एक बैंड को फॉर्म करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ एस आई सिलिकन का जो है वो क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एन थ्री पी टू तो ये हमारे पास है ना तो आप इसके अंदर देख सकते हो तो इसका मतलब ये हो गया टू एट एंड फोर ओके तो इसका मतलब लास्ट वन जो है उसके अंदर फोर वैकेंसी है तो एटॉमिक नंबर इज़ फोर्टीन तो वो अभी आगे देखते हैं होता क्या है नेक्स्ट वन इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड जो है वो एक ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है ठीक है तो इसमें जो है मैं बता देता हूँ जो एक्सिस है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यानी एटम्स के बीच में कितना कितना स्पेस है उसको बता रहा है और एनर्जी लेवल्स यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर है एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस और जो हमारे पास ये जब सभी हैं ये इनर कोर है ये एटम की इनर कोर है जिसके अंदर इनर मोस्ट सेल जो हैं वो हमारे पास हैं तो इनके सभी के जो है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ये सभी इनर मोस्ट हो गए उसके किसके सिलीकन के और ये आउटर मोस्ट हो गए ओके ये हमारे पास सेल क्या होगी आउटर मोस्ट तो थ्री एस टू एंड थ्री पी टू जिसमें फोर वैकेंसी है ना टू इसमें फिल हैं और टू इसमें फिल हैं टोटल फोर वैकेंसी है क्योंकि एट होने चाहिए ना टोटल तो इट मीन्स एट फोर वैकेंसी है तो so इसके बेसिस पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो so ये जो ये मार्किंग की हुई है डी सी बी ए ये डिस्टेंसिंग है ना डिस्टेंसिंग बिटवीन द एटम एटम्स ऑफ क्रिस्टल है ना तो so एटम या फिर हम फ्री स्पेस में भी बोल सकते हैं तो एटम के बीच में कितना स्पेस है वो बनाते हैं तो so डी से हम स्टार्ट करते हैं ना इसको एक्सप्लेन करना तो so डी पर हमारे पास एट इंटर एटोमिक स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन इनकी तो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं जो नीचे वाले हैं क्योंकि ये तो इनर कोर है ये तो मॉडिफाई होते नहीं है ठीक है बट ओपर कोर को देखोगे तो इनके अंदर क्या है अभी भी डिस्क्रीट लेवल्स हैं है ना दोनों की लेकिन जैसे जैसे सी की तरफ चलता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो स्प्लिट स्प्लिट uh, होना शुरू हो जाती है और एक रेंज बना लेते हैं ये देखो ये पूरी रेंज बन गई है तो इसका मतलब बी तक आते आते कंप्लीट रेंज बन जाएगी और यहाँ पर आते आते बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा ए तक ए और बी के बीच में बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ओ और ए के बीच में कम्प्लीटली स्प्लिट दिखने लग जाएगा तो इसका मतलब एक बैंड ऊपर बनेगा और एक बैंड नीचे बनेगा और दोनों के बीच में जो गैप होगा दैट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप अभी मैं बताता हूँ देखिए पॉइंट्स वाइज मैंने लिखा है इसको तो ये देखो आर इज़ इक्व टू ओ डी वेरी ग्रेटर देन ओ ए ठीक है मतलब हमने आर इज इक्वस टू ओ डी लिया है यानी यहाँ पर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ डी वाले पॉइंट की जो कि ओ से बहुत ज़्यादा है तो अभी देखते हैं उसमें क्या हुआ ईच ऑफ एन एटम्स हैज़ इट्स ऑन एनर्जी लेवल्स ओके और द एनर्जी लेवल्स आर आइडेंटिकल शार्प डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट मतलब इसके अंदर जितने भी एन एनर्जी एन एटम्स के एनर्जी लेवल्स थे वो डिस्क्रीट हैं और डिस्टिंक्ट हैं मतलब दोनों के बीच में गैप है तो देख सकते हो इसके अंदर सभी के बीच में कुछ ना कुछ गैप है ये रहा ये गैप है ना ये रहा ये ये गैप देखो ये गैप देखो यहाँ पर डी के बीच में भी गैप है ना सबके पास उसके बाद नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन हमारे पास है इसी भी पॉइंट्स में द आउटर टू सब सेल्स थ्री एस एंड थी पी ऑफ एम सेल एन इज इक्व टू थ्री सेल ऑफ सिलीकन एटम कंटेन टू एस इलेक्ट्रॉन्स एंड टू पी इलेक्ट्रॉन्स सो देर आर टू एन इलेक्ट्रॉन्स देर आर टू एन इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड एंड टू एल पॉसिबल एस लेवल्स एंड ऑल ऑफ विच आर एट सेम एनर्जी लेवल्स ओके यानि जो एस है एस उसका जो है सब वो जो है वो कम्प्लीटली फिल है यानि टू एन एटम्स के एन ऐटम्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स टू एंड कम्प्लीटली फिल हैं एस के अंदर है ना देखो एक एटम के पास टू है तो एन एटम्स के पास कितने हुए टू एन हुए तो वो कम्प्लीटली फिल है सेम एनर्जी के इसके बाद देखो ऑफ सिक्स एन पॉसिबल पी लेवल्स ओनली टू एन आर फिल्ड एंड ऑल ऑल द फील्ड पी लेवल्स है सेम एनर्जी ओके वो फिर बोल रहा है कि सिक्स एन वाले क्यों हुआ क्योंकि सिक्स पी में आ सकते हैं तो एक एटम के पास सिक्स आ सकते हैं तो एन एटम्स के पास कितने आ सकते हैं सिक्स एन उसमें से टू एन तो फिल हैं कंप्लीटली और दोनों उनके सभी के पास सेम एनर्जी है ओके okay? अभी तक इसके बाद देखो जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होता जाता है जैसे जैसे उनके बीच में गैप कम होता जाता है एटम के बीच में गैप कम हो रहा है ना धीरे धीरे हम उसमें ग्राफ के अंदर नोट कर रहे हैं तो ओ सी आर इज लेस देन ग्रेटर देन ओ सी एंड लेस देन ओ तो देर इज़ नो विजिबल स्पलिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स बट देर आर डेवेल्प टेंडेंसी फॉर द स्पलिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स मतलब अभी यहाँ पर विजिबल नहीं हुआ है देखो इसके बीच में जो है वो हमारे पास विजिबल नहीं हुआ है लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये स्टार्ट होना शुरू हो गया सी पॉइंट पर आती है स्टार्ट होना स्प्लिट होना स्टार्ट होना, होना शुरू हो गया है नेक्स्ट वन आर इज इक्व टू ओ सी ओ सी जब हम देखेंगे The interaction between the outermost मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग सिलीकन बिकम एप्लीकेबल एंड द स्पलिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स कमेंसेज मतलब यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ जो नेबर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में गए हैं क्योंकि इतना कम दोनों ऐटम्स के बीच में गैप हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में गए हैं जिससे क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वन उसके बाद है ओ बी आर ग्रेटर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन ओ बी एंड लेस देन ओ सी तो इसका मतलब ये वाला जो गैप है ये ओ बी और ओ सी ये वाला जो गैप है ना ये वाला जो गैप है ये सॉरी ये वाला ये वाला जो गैप है इस गैप के अंदर देखो तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होना शुरू हो गया है यानी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होना शुरू हो गए हैं तो देखो इसमें तो स्प्लिट हो गए हैं द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द एस एंड पी लेवल्स ऑफ ईच एटम गेट स्लाइटली चेंज्ड ओके कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल एस लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम वी गेट टू एन ओके एस के कॉरस्पोंडिंग हमें टू एन लेवल्स मिल जाएंगे है ना तो वो स्प्लिटिंग बता रहा है ना क्योंकि सभी स्प्लिट हो गए पहले तो सभी सेम थे एक लाइन में थे जैसे ही वो इतना पास आए तो उनमें स्प्लिट होना शुरू हो गया और ये टू एन लेवल्स कुछ एक रेंज में बन गए है ना और सिमिलरली देर आर सिक्स एंड लेवल्स ऑफ द सिंगल पी लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम बट जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आए तो वहां पर सिक्स एंड लेवल्स के वो बैंड बन गए है ना तो वो अभी देखते हैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट सिंस एन इज वेरी लार्ज सिंस एन इज अ वेरी लार्ज नंबर टेन लिस्ट पावर ट्वेंटी नाइन एटम पर मीटर क्यूब एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्स ठीक है एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की जो है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट है देर आर फोर द लेवल ड्यू टू द स्प्रेडिंग आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड मतलब अभी जो हमारे पास मतलब इतनी कम एनर्जी है तो जो लेवल होंगे क्योंकि पहले से उनके पास एनर्जी कम है तो जो स्प्लिटिंग होगी वो भी बहुत कम एनर्जी में होगी तो बहुत ही कम क्लोजली स्पेस्ड होंगे है ना तो द स्पेसिंग इज अप्रॉक्स कितना होगा टेन एच पावर माइनस ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर वन सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल यानी इतनी वॉल्यूम के क्रिस्टल के पास इतना कम एनर्जी स्प्लिटिंग होगा है ना स्पेसिंग इतनी कम होगी उन लेवल्स के बीच में तो इतनी देखो मैं जो बोल रहा हूँ कि लाइंस बन रही है स्प्लिट हो रहे हैं तो इनके बीच में एनर्जी बहुत ही कम डिफरेंस है इसलिए मतलब हम इनको मतलब अलग अलग नहीं मानकर हम ये मान लेते कि ये कंप्लीटली क्या है एक 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 फॉर्मेशन कर रहा है एक स्ट्रिप बन रहा है दैट स्ट्रिप इज़ नोन एज एनर्जी बैंड ओके द कलेक्शन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड अब आर इज इक्व टू ओ बी की बात कर रहे हैं ठीक है आर इज इक्व टू ओ बी यानी इस कंडीशन पे बी के ऊपर तो बी के ऊपर क्या हुआ वो हम देख लेते हैं तो वो बोल रहा है द एनर्जी द एनर्जी गैप डिसअपियर्स कम्प्लीटली एंड एट एन लेवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टीन्यूसली वी कैन ओनली से दैट फोर एन एंड फोर एन आर इम्पटी ओके ओ बी पे जैसे ही देखेंगे तो वो मतलब एनर्जी गैप कम्प्लीटली डिसपेयर हो जाएगा ओके एनर्जी गैप कंप्लीटली डिसअपियर होगा और ए ट एन लेवल्स होंगे एट एन लेवल्स कौन से जो कि आउटर मोस्ट सेल के थे मैंने बताया था उसमें से फोर एन तो कम्प्लीटली फिल्ड है और फोर एन क्या है अनफिल्ड है इम्पिटी है तो आर इज इक्व टू ओ ए पे क्या होगा द बैंड ऑफ फोर एन फिल्ड एनर्जी लेवल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ फोर एंड अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स बाय एन एनर्जी गैप ये रियल गैपिंग है इन द क्रिस्टल ऑफ ऑफ अ मटेरियल और इस इसके अंदर जो आ, सिलिकन का है जो हम एग्जाम्पल लिए उसके अंदर ठीक है तो ये जो एटम की स्पेसिंग हुई है वो रियल स्पेसिंग है यहाँ पर ये होती है एटम के अंदर स्पेसिंग है ना उस क्रिस्टल के अंदर तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों लेवल्स अलग अलग हो गए तो दोनों लेवल्स क्या हो गए अलग अलग हो गए फोर एन जो फील्ड था वो नीचे बन गया और फोर एन जो अनफील्ड था वो ऊपर की साइड बन गया तो जो फोर एन फील्ड है उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और जो फोर एन जो अनफील्ड है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस टू बैंड्स एंड दिस बैंड इज दिस गैप इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप दोनों बैंड्स के बीच के एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें जो होंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे दोनों के बीच में जो गैप होगा और इसको एनर्जी गैप और बैंड गैप भी बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप एनर्जी गैप और बैंड गैप भी बोलते हैं द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे देख सकते हो आप इसमें जो कि वैलेंस बैंड है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले जो होंगे ये सारे क्योंकि फील्ड है ना तो फील्ड कौन से ये फोर इलेक्ट्रॉन्स तो इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे ओके okay? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इस बैंड को हम क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड बोलेंगे एंड द अपर एंड फील्ड बैल्ड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं उसके बाद देखो द एग्जैक्ट एनर्जी बैंड पिक्चर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम इन अ क्रिस्टल तो आप देख ही सकते हो कि एटम के बीच में गैप पे डिपेंड करता है कि उसके बीच में जो एनर्जी गैप बैंड बनेगा वो कैसा बनेगा स्प्लिट अप कैसे होगा वो धीरे धीरे क्लोजली आने पे होता है इफ़ द बैंड इन अ सॉलिड आर कंप्लीटली फिल्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमिटेड टू मूव अबट अबाउट बिकॉज देर आर नो वैकेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल ओके तो अगर हमारे पास सॉलिड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है मतलब ये कम्प्लीटली एट एंड कम्प्लीटली फिल्ड होता जो कि हमारे पास क्या बन गई एक एक गैस बन गई कौन सी गैस बनी ये हमारे पास जो कि जिसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड है ना तो ये एटीनथ ग्रुप की गैस बन गई तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो है जिसको हम आर्गन बोल रहे हैं एटीन है ना आर्गन होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा ना इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमिटेड टू मूव अबाउट बिकॉज देर आर नो वैकेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल क्योंकि उसमें कहीं पर भी वैकेंट एनर्जी लेवल नहीं होंगी ठीक है तो ये एक नोट करने के लिए नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एनर्जी बैंड थ्योरी वी डिवाइड द मटेरियल्स इनटू थ्री टाइप्स फर्स्ट इज मेटल्स ओके इसको हम कंडक्टर्स या मेटल्स बोल सकते हैं तो कंडक्टर्स में क्या है द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स ओके तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो दिखा सकता है सॉरी ये दिखा सकता है कि हमारे पास जो है कंडक्शन बैंड की रेंज तो यहाँ तक है कंडक्शन बैंड की रेंज तो ऊपर तक है बट हमारे पास ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं विद अ लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली रीच द इनपुटी एनर्जी लेवल्स अबाउट द फिल्ड वंस एंड द कंडक्शन इज़ पॉसिबल ओके मतलब थोड़ी सी एनर्जी में ही वो क्या होंगे कंडक्शन करना शुरू कर देंगे है ना तो मतलब फील्ड वन से वो किस में चले जाएंगे एम पी वन में चले जाएंगे और एम पी में जाते ही वो क्या करेंगे कंडक्शन करना शुरू कर देंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे द सेकेंड पॉसिबल एनर्जी बैंड इज डायग्राम शोज द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग विद द बैलेंस बैंड इसमें तो गैप था ठीक है ये देखो इसमें गैप था कुछ ना कुछ ये बीच में और इसमें सॉरी इसमें इसमें तो गैप था ये रहा ये हमारे पास है तो इसमें तो पूरा गैप था ना और इसमें जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है सेकंड जो है वो हमारे पास कंप्लीटली क्या है ओवरलैप है ये दोनों के बीच का बॉर्डर हो गया तो वो बोल रहे सेकेंड बैड ओवरलैप है और दिस इज बिकॉज द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स लेस एनर्जी देन द हाइस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड ओके दिस इज बिकॉज द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स नीड्स लेस एनर्जी देन द हाइस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड ओके मतलब जो लोएस्ट बैंड कंडक्शन का जो सबसे लोएस्ट रेंज है यहाँ पर है ना इसको मतलब कम एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे कम एनर्जी किसको चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर जाने के लिए कंडक्शन बैंड में कम्प्लीटली जाने के लिए यानी कंडक्ट करने के लिए ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर गैप तो है नहीं दोनों के बीच में तो इसका मतलब कम एनर्जी इसको चाहिए कि द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इन टू द कंडक्शन बैंड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और कंडक्शन जो है वो इजिली कर पाएगा क्योंकि फ्री है ये घूमने के लिए द हाइस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल एट एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड फर्मी लेवल वो कहते हैं कि हमारे पास हाइस्ट एनर्जी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड में जो कि इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड यानी भरा हुआ होता है अगर हमारे पास एप्सल्यूट जीरो टेम्परेचर भी होता है उसको फर्मी लेवल बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो कंडक्शन बैंड का हाईएस्ट लेवल कौन सा लेवल जो है भरा हुआ है ठीक है इलेक्ट्रॉन से तो उसको हम क्या बोलेंगे फर्मी लेवल बोलेंगे अगर ये लेवल भरा हुआ तो ये फर्मी लेवल अगर ये लेवल भरा हुआ तो ये फर्मी लेवल तो द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ एनर्जी टू गो टू बियॉन्ड दिस लेवल देन कंडक्शन टेक्स प्लेस मतलब इस फर्मी जो लेवल है इसको क्रॉस कर जाए इतनी एनर्जी उसको मिल जाए तो दैट कैन बी शो द कंडक्शन इट इज़ फॉर मेटल या तो इसमें ओवरलैप होगा या एनर्जी बैंड गैप बहुत ही कम होगा नेक्स्ट वन सेमी कंडक्टर्स सेकेंड वन हमारे पास है सेमी कंडक्टर्स और इसी तरीके से इंसुलेटर होते हैं बट हमें इसे सेमी कंडक्टर में पढ़ना है इस चैप्टर में तो हम इसी को देखेंगे तो सेमी कंडक्टर्स एट एप्सल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन्स हैज़ एनर्जी टू जम्प फ्राम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड हैंज द क्रिस्टल इज एंड इंसुलेटर देख सकते हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है फॉर बिडन एनर्जी गैप जो कि कितने है सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सॉरी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अप्रॉक्सीमेट है ना तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब इसमें वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्योंकि इनको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी हीट से भी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे सो इट कैन शो द एलियक्ट एज अ इंसुलेटर तो सेमी कंडक्टर एप्सल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो कैलविन पे वो क्या करते हैं इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप एंड मूव द टू द कंडक्शन बैंड टू कंडक्ट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मतलब वो कहता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इन इलेक्ट्रॉन को इतनी इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो इस गैप को कवर कर लेते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वीक इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो होते हैं ये कंडक्शन बैंड में घूमते रहते हैं पूरे क्रिस्टल में घूमते रहेंगे क्लियर द फ्रैक्शन इज पी इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई टू पावर माइनस अपॉन पीज डायरेक्टलीचर किस किस तरीके से ये डिपेंड करेगी है ना तो वो बताया हुआ है तो ईजी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्फ्लुएंस बना है उसमें वो के बी यानी हमारे पास क्या हो जाएगा सॉरी लिखा हुआ इज स्मॉल देर आफ्टर द फ्रैक्शन इज साइजेबल फॉर द सेमी कंडक्टर ओके तो ईजी बहुत ही कम है क्योंकि सेमी कंडक्टर में हमारे पास बहुत मतलब ईजी कितना कम है क्योंकि आ, जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं आइटम से फ्री हुए हैं तो उसमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना उसी की बात है और के भी हमारे पास वर्तमान कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर है एज एन इलेक्ट्रॉन लीवस द वैलेंस बैंड इट लीव सम एनर्जी लेवल इन इन बैंड एज अनफील्ड ओके अगर हमारे पास देखें तो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो सम एनर्जी लेवल इज़ इन बैंड एज अनफिल्ड ओके मतलब वैलेंस बैंड में कुछ जो है वो वैकेंसी छोड़ जाता है पीछे की तरफ है ना क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से जम करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एंड सच अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल्स मतलब जहाँ पर ये गैप बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड होल ऑल इन द वैलेंस बैंड तो होलेंसेंट में बन जाएंगे दे आर मैथमेटिकली टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स क्योंकि इसमें नेगेटिव की कमी है इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ले सकते हैं एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू अ पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पॉजिटिव टू अनदर ओके तो इसमें जो भी होगा इस रीजन में हम मूवमेंट लेंगे तो पॉजिटिव होल की मूविंग पे पॉजिटिव फ्राम वन पोजिशन टू अनदर मतलब पॉजिटिव होल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रेफर हो सकता है इस रीजन में कहीं पर भी यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और इस गैप को फिल कर दे तो इसका मतलब यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी ये यह यहाँ आ जाए तो यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी तो इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट वन इंसुलेटर्स ओके इंसुलेटर देख लेते हैं जो कि थर्ड टाइप है मटेरियल्स का तो इलेक्ट्रॉन्स अब पहले तो एनर्जी गैप देख लो ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कितना है सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अप्रोक्सीमेट तो इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर द हीट इट कैन नॉट पार्शियली जम्प टू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द बैलेंस बैंड ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप देर आफ देर फॉर कंडन इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर ओके इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते इसका मतलब ये कंप्लीटली इंसुलेटर यानी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की बात कर रहे हैं वन रिसीविंग ऑफ एन एडिशनल एनर्जी वन ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवल एंड बॉन्ड ब्रेक्स एंड इज़ फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल ओके तो कोवल एंड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है जैसे यहाँ से वैलेंस बैंड से फ्री होगा मतलब किसी भी इसमें नहीं इंसुलेटर में तो नहीं होता लेकिन सेमी कलेक्टर और मेटल्स में तो होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है वैलेंसी क्रिएट हो जाती है कावल एंड बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एटम से फ्री हुआ है तो कोवलेंट बॉन्ड में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है दैट वैकेंसी इज नोन एज होल ओके तो वाइल कमिंग आउट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इट लिवस बिहाइंड अ वैकेंसी नेम्ड होल उसको हम जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने पर जो वैकेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं होल बोलते हैं एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन ब्रेक अवे एंड कम फ्रॉम टू द प्लेस ऑफ द मिसिंग इलेक्ट्रॉन और होल और कम कम्प्लीटिंग द कोवलेंट बॉन्ड एंड द क्रिएटिंग अ होल एट अनदर प्लेस अब ये चीज़ क्या है मैं बताता हूँ जैसे सिलिकन है सिलिकन जो है वो चार सिलिकन नेबर जो एटम्स है उससे क्या होगा कनेक्ट होगा तो इसके बीच में देख सकते हो कि ये बहुत सारे मतलब यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर होल की वैकेंसी छोड़ जाएगा तो पास वाला जो बॉन्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा तो यहाँ पर होल की वैकेंसी हो जाएगी तो इस तरीके से होल अनदर प्लेस पर क्रिएट हो जाएगा द होल मूव रेंडमली इन क्रिस्टल तो इसका मतलब एक दूसरे प्लेस पर रेंडमली मूव कर सकते हैं द कम्प्लीशन ऑफ अ बॉन्ड में नॉट बी नेसेसरी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ अ नेबरिक एटम ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो बॉन्ड है इससे ही इलेक्ट्रॉन आ कर इसको फिल करेगा ये हो सकता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आकर इसको फिल कर दें और कहीं से फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी आके इसको फिल कर दें तो इसको बोलते हैं द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ओके तो जो अल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लैटिस में घूम रहे हैं अगर वो उसको फिल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नेक्स्ट वन सेमी कंडेक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक इंटरेंसिक और प्योर सेमी कंडक्टर एक होता है इंप्योर और एक्सट्रेंसिक तो सबसे पहले इंट्रेंसिक और प्योर सेमी कंडक्टर जैसे इसका नाम है वैसे इसकी वो है जैसे जर्मेनियम का हमने क्रिस्टल लिया हुआ है यहाँ पर इसमें सभी एटम जो होंगे वो जर्मेनियम के होंगे यानी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी ठीक है तो इसको इंट्रेंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बताया हुआ है जर्मेनियम के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कितना होता है ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो ये जो ये जो दिखाए हुए हैं ये कावल बॉन्ड्स हैं ओके इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवल बॉन्ड में इनको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्योंकि ये वैलेंस बैंड में है अभी और अगर कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको जो लेटिस में घूम रहा है फ्रीली उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं और जो होल जो है वो कहाँ पर क्रिएट होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो होल क्रिएट हो जाएगा क्लियर तो so, इस तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट वन देख लेते हैं तो इंटरनसिक सेमी कंडक्टर इज द प्योर सेमी कंडक्टर द एनर्जी गैप इन सिलिकन इज वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जर्मेनियम इज़ जीरो पॉइंट सेवन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सिलिकन का होता है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और जर्मेनियम का ये है ठीक है थर्टी टू तो इसमें भी फोर वैकेंसी है लास्ट सेल में और इसमें भी फोर वैकेंसी है सेल में तो इन इंटरनसिक सेमी कंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी जो जो भी हैं देख सकते हो जो भी हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन से फिल हैं है ना तो जो भी बॉन्ड है वो सभी इलेक्ट्रॉन से फिल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन थर्मल मतलब हीट एनर्जी लेके बाहर निकल भी जाए तो वहाँ पर होल क्रिएट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स बनते रहेंगे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे तो बोथ आर इक्वल ये इसमें बोला गया है नेक्स्ट वन सो एन आई एंड पी आई आर द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली देन एन आई इज इक्व टू पी आई फॉर इंटरनसिक सेमी कंडक्टर द क्वान्टिटी एन आई और पी आई इज रेफर टू एज द इंटरेंसिक्स कैरियर कंसेंट्रेशन ओके मतलब एन आई और पी आई जो है वो हमारे पास क्या होगा इंटरेंसिक कैरियर कैरियर कंसनट्रेशन होगा ओके इंटरेंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन होगा है न तो इसको हम लिख सकते हैं उसके बाद देखो डॉपिंग और सेमी कंडक्टर अब हम इसमें डॉपिंग करेंगे अब डॉपिंग क्या होती है डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरीट एडिशन ऑफ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन टू अ एंड इंटेंसिक सेमी कंडक्टर हम स्मॉल अमाउंट में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते अदर आइटम उसमें मिक्स कर देंगे तो क्रिस्टल में क्या हो जाएगा इम्प्योर हो जाएगा तो द इम्प्योरिटी आइटम आर कॉल्ड डॉपेंट और द सेमी कंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज नॉन एज इम्प्योर और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर ओके मतलब जो इम्प्योरिटी हम ऐटम मिक्स करेंगे उसको हम डोपेंट बोलेंगे और जो बनेगा सेमी कंडक्टर उसको हम बोलेंगे इम्प्योर और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर ओके मैथड ऑफ डोपिंग देख लो हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रजेंस ऑफ द डोपेंट ऐटम मतलब हम क्या करेंगे क्रिस्टल को हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम क्या करेंगे उसके अंदर डोपेंट ऐटम को डाल देंगे ओके okay? उसके बाद देखो है ऐडिंग इम्प्योरिटी एटम इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द सेमीकंडक्टर हम इसको मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद इसमें इम्प्योरिटी डाल देंगे उसके बाद बम्बार्टमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर बाई आस ऑफ द इम्प्योरिटी एटम ओके okay? हम बम्बार्टमेंट कर सकते हैं ठीक है ठीके? एक वेपर भी डाल सकते हैं इम्प्योरिटी एटम की वेपर हम डाल सकते हैं वो अलग अलग टाइप का है ना तो ये हमारे पास हो गए कुछ एक मेथड्स नेक्स्ट वन इन एक्सट्रेंसिक और इम्प्योर सेमी कंडक्टर तो ये भी दो टाइप की होती है एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है अब इसका मतलब क्या वो चीज़ देखते हैं तो वेन अ सेमी कंटेक्टर ऑफ ग्रुप फोर्टीन ठीक है टेट्रा वैलेंट आपको पता है कि सभी सेमी कंटेक्टर जो होते हैं वो फोर्टीन ग्रुप के हैं और वो टेट्रा वेलेंट होते हैं सच एज सिलीकन एंड इज इजॉप्ट विद अ पेंटा वेलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप फिफ्टी फाइव ओके फोर्टींथ और फिफ्टींथ फिफ्टींथ ग्रुप की हम इम्प्योरिटी इसमें मिक्स कर देंगे कि इसमें फोर्टीन ग्रुप में सच एज फॉसफोरस आर्सनिक है ना एंटीमनी एक्सेट्रा तो एन टाइप एमिक फॉर्म्ड तो विद जर्मेनियम इज विद द एक्स आर्सेनिक द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम कोवल बॉन्ड विद फोर जर्मेनियम ऐटम एंड द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक एटम इज लूजली बाउंड यहाँ देख सकते हो कि हमने आर्सेनिक डाला तो इसकी इसके आउटर मोस्ट सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फोर तो इन कोवल बॉन्ड में प्लेस ले लेंगे अपना अपना है ना बट फिफ्थ जो होगा वो रह जाएगा आउटसाइड मतलब अकेला तो इट इज़ लूजली बाउंड क्योंकि इसने अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया बाकी सबसे है ना तो इसका मतलब जो मतलब कोवरल एंड में बन गए तो वो टाइटली बाउंड हो गए लेकिन ये जो है ये लूजली बाउंड रहेगा इसके ऊपर अट्रैक्शन कम होगा नहीं का है ना तो इसका मतलब इट इज़ लूजली बाउंड सो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो हमारे पास प्रेजेंट होगा इसमें है ना यहाँ पर इस लेवल में प्रेजेंट होगा ये जो लाइन बनी हुई है तो इस लाइन में प्रेजेंट होना इसका मतलब इसको हम बोलते हैं डोनर लेवल ओके क्योंकि ये बहुत ही लूजली बाउंड है तो इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी इसके कोवलेंट बॉन्ड के आसपास होगी कहीं पर है ना तो इसकी एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड के आसपास होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत जल्दी कोवलेंट बॉन्ड में जंप कर सकते हैं लूजली बाउंड है तो अट्रैक्शन कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में कम होगी है ना तो इसका मतलब ये जल्दी कोवलेंट बॉन्ड में एंटर कर सकता है तो इसमें गैप देखो कितना कम रह गया तो ये एंटर कर सकता है तो ये जो होगा एन टाइप सेम होगा तो इसमें देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द डिटैच ऑफ फिफ्थ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस फॉर जमेनियम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड ड्यू टू द थर्मलशन इज सफिशेंट टू डिटैच दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रेडी टू कंडक्ट करंट ओके मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिलते ही और वो पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा तो दैट कैन बी कंडक्ट द करंट द फोर्स ऑफ एट्रेक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज प्लस फाइव इम्प्योरिटी आयन इज इज वीकेंड बाय द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम देख लो दोबारा द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है एंड द पॉजिटिवली चार्ज प्लस फाइव इम्प्योरिटी क्योंकि आर्सेनिक से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर क्या बचेगा पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव हो गया एंड आयन इज वीकेंड बाय द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम मतलब उस वो पूरा जो है वो क्रिस्टल है इसका मतलब वो एक डायलैक्ट्रिक मीडियम है तो वो क्या करेगा वो अट्रैक्शन वो अब बात ही आती है ना कि मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रिएट हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या हो गया मतलब नेगेटिव हो गया तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा आसपास इसके तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो ये इसको वापस इस अटैच कर सकता है लेकिन ये कहता है कि ये एक क्रिस्टल है पूरा तो एक डायलैक्ट्रिक मीडियम है तो वो क्या करेगा इस फोर्स को वीक करता जाएगा डायलेक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आ, ये है हमारे पास सो सच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम्स विल हैव एनर्जीज स्लाइटली लेस देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड मतलब इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी कम ऐसा मतलब इतनी क्लोज एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड के है ना तो इसका मतलब कुछ ही कम होती है कंडक्शन बैंड से देर फॉर द एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप स्लाइटली बिलो द लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड ओके इसका मतलब इसी वजह से ये इसके पास होती है इसलिए हम इसको डोनर लेवल बोलते हैं और इम्प्योरिटी हमारे पास डोनर होगी ओके डोनर इम्प्योरिटी होगी और एन टाइप सेमी कंडक्टर इज ऑल्सो डोनर टाइप सेमी कंडक्टर ओके नेक्स्ट वन अब एन टाइप सेमी कंडक्टर में carriers concentration देख लेते हैं ना चार्ज कैरियर्स कंसनट्रेशन वेन इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर इज डॉप्ट फ्रॉम डोनर इम्प्योरिटी नॉट ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बट ऑल्सो द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेज़ बिलो द दैट विच वुड बी अवेलेबल इन द इंटेंसिक सेमी कंडक्टर वो कहता है कि जैसे ही हम इसमें इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं साथ साथ होल्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि जितने होल्स जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से बने थे यानी थर्मल हीट से बने थे तो वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन से फिल भी हो सकते हैं तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाते हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं है ना तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंटली सॉरी द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेज बिकॉज द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कॉज इज द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स इज इंक्रीजेज मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो होल्स से रिकॉम्बाइन रिकम्बाइन हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंटली इन इन एन एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द होल्स आर द माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे और होल्स बहुत कम है द माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इफ एन एन पी रिप्रजेंट द इलेक्ट्रॉन एंड हॉल्स कंसन्ट्रेशन रिस्पेक्टिवली इन एन टाइप सेमिक्टैन एन इंटू पी अगर ये एन और पी जो है वो हॉल्स और इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसनट्रेशन बताते हैं तो एन इंटू पी प्रोडक्ट ऑफ एन इन टू पी इज इक्वस टू एन आई पी आई वे एन आई एंड पी आई इज इक्व टू इंटेंसिक कैरियर्स कंसंट्रेशन यानी अलग अलग हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्योंकि उतने ही पेयर्स है ना तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी और एन आई स्क्वायर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब अप्रोक्स पी आई जो होगा वो जितना ज़्यादा कम होता जाएगा एन आई उतना ही बढ़ेगा तो अप्रोक्स डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आई का है ना द रेट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द एन एंड पी और द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एन पी ठीक है तो रिकॉम्बिनेशन जितना उतना ज़्यादा होगा जितना प्रोडक्ट इनका ज़्यादा होगा सिंस द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज एट एट द अ गिवन टेम्परेचर देयर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन पी मस्ट बी अ अस्टेंट ओके तो एन पी एक कॉन्स्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट इसलिए एक गिवन टेम्परेचर भी रिकॉम्बिनेशन रेट भी फिक्स होगी वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज अबव द इंटेंसिक वैल्यू बाय द एडिशन ऑफ द डोनर इम्प्योरिटी द कंसनट्रेशन ऑफ होल्स फॉल्स बिलो द बिलो इट्स इंटरेंसिक वैल्यू ओके अगर हमारे पास देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी कंसनट्रेशन बढ़ती है तो इंटरेंसिक वैल्यू जो होती है डोनर इम्प्योरिटी की द कंसन्ट्रेशन ऑफ होल्स फॉल्स बिलो द इंटरेंसिक वैल्यू क्योंकि पहले तो दोनों की इक्वल थी एन आई और पी आई दोनों इक्वल थे तो ये धीरे धीरे क्या होता गया पी आई गिरता गया और एन आई बढ़ता गया ठीक है क्योंकि डोनर इम्प्योरिटी बढ़ रही थी तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट है एनपी का वो किसके बराबर हो गया एन आई स्क्वायर के बराबर हो गया जब ये बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जीरो तो ये बहुत ही ज्यादा यानी अप्रोक्सीमेटली इसका स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट वन पी टाइप सेमी कंडक्टर सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्योर और इंटेंसिक सेमी कंडक्टर एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर ओके इसमें जर्मेनियम का क्रिस्टल ली है और हमने इम्प्योरिटी मिक्स की है तो वही हमारे पास बात है की टेट्रा वेलेंट यानी फोर्टीन ग्रुप की है जर्मेनियम और सिलिकन तो हम इसमें ट्राई वेलेंट यानी थर्टीन ग्रुप का कुछ मिलाएंगे तो यह हो सकता है इंडियम बैरियम और आ, गैलियम एटसेट्रा है ना तो पी टाइप सेमी कंडक्टर बन जाएगा क्लियर तो ये कैसे बनेगा वैन द जर्मेनियम इज डॉप्ट फ्राम द इंडियम दैन द थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑफ इन एटम ऑफ इन फॉर्म थ्री कोवेलेंट बॉन्ड विद द थ्री जर्मेनियम एटम द वैकेंसी दैट दैट एग्जिस्ट विद द फोर्थ बैलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ जर्मेनियम एटम कॉन्स्टिट्यूट अ होल तो देख सकते हो इंडियम की थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो थ्री फिल हो जाएंगे बट एक होल रह जाएगा यहाँ पर है ना तो होल रहती ही हमारे पास होल पे तो पॉजिटिव आ गया बट इंडियम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो नेगेटिव बन सकता है न क्योंकि एक वैकेंसी है तो वो यूँ कह रहा है कि ये होल जो है इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ओके तो ये होल जो है इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल फ्री हो गया है तो इंडिया को गेन कर सकता है तो हम इस होल का जो लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड से नीचे आ जाएगा यानी ये जो होल जो प्रिपेयर हुए हैं इनका एनर्जी लेवल इस कंडक्शन बैंड से नीचे होगा यानी ये इलेक्ट्रॉन इस लीजली इस होल में जंप कर सकता है तो कंडक्टिविटी शो कर सकता है ना तो ये गैप देखो कितना कम है नेक्स्ट वन तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल और इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर

चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर देयर फॉर दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर मतलब होल एक दूसरे से दूसरी जगह मूव कर रहा है इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इसलिए पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूस एन एनर्जी लेवल जस्ट बिलो अबव द वैलेंस बैंड ओके उसमें बिलो द कंडक्शन बैंड था जस्ट और इसमें अबव द वैलेंस बैंड है जस्ट एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं इसको द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड इज मस्ट स्मॉलर दैन द बैंड गैप ओके उससे कम होगा सो इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द बैलेंस बैंड कैन देयर फॉर द इजिली मूव फ्रॉम इन टू द एक्सेप्टर लेवल बाई बींग थर्मली एगुकेटेड ओके मतलब धीरे धीरे हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो उस होल में बैलेंस बैंड के वो इलेक्ट्रॉन उस होल में एंटर कर जाएंगे उसका तो मतलब हमारे पास कंडक्टिविटी शो हो सकती है तो बी टाइप्स कंडक्टर इज ऑल्सोल्ड एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर तो इसमें जो होगा होल्स और होल्स जो होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इसका मतलब यहाँ पर पी आई स्क्वायेर आना चाहिए ना यहाँ पी आई स्क्वायोयर आ जाएगा क्योंकि आ, मतलब होल्स ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेक्स्ट वन तो अब देख लेते हैं मतलब डिफ्रेंस आ जाएगा इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर में तो इसमें फोटीन्थ होते हैं और इसमें क्या होता है फोर्टीनथ ग्रुप में थर्टीन और फिफ्टीथ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स होती है ना तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे इसके बाद कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर और कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडिड टेम्परेचर के साथ साथ जितनी ज़्यादा इंप्योरिटी होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी द नंबर ऑफ़ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू दिस लेकिन एन टाइप में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स एंड पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट वन अब देख लेते हैं सेमी और मेटल में क्या डिफरेंस है सेमी कंडक्टर बेहेव लाइक अस इंसुलेटर जीरो कैलविन तो इसका मतलब इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर जीरो कैलविन पे तो इंसुलेटर होता है सेमी उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बढ़ते हैं लेकिन मेटल में क्या होता है कि कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड कनक्टिविटी इज एंड इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर्स पढ़ते हैं इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन इसमें क्या है इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या है कितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं डज नॉट ओबे द ऑम स्लो और ओनली पार्शली ओबे ओके मतलब बहुत कम करंट पर ये ऑम स्लो को फॉलो करती है और ये करता है मेटल कुछ ना कुछ करंट भी फॉलो करता है डॉपिंग द सेमी विद द इम्प्योरिटी वेस्टली इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ओके मतलब जैसे जैसे जब डॉपिंग बढ़ती है तो सेमी कंडक्टर की मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ती है है ना अरे सॉरी मतलब हाँ कंडक्टिविटी भी बढ़ती है मेकिंग अलॉय विद द अनदर मेटल डिक्रीज विद द कंडक्टिविटी तो मतलब क्या हो गया कि हम अलॉय अगर बना लेंगे तो उसकी मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ क्योंकि उसमें जो होंगे बहुत सारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी इसमें क्या था मैंने जो बताया वो एक्चुअली मैंने सेमी कलेक्टर के बेसिस पे बता दिया लेकिन ये कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो रो एल अपॉन ए होता है है ना तो इसका मतलब ये सारी इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है मेटल की तो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लगाया उस पर तो सिर्फ करंट डिपेंड करता है मेटल्स के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स बनते हैं तो ये बढ़ता है तो पहले थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा सेमी कंडक्टर की बेसिस पे बता दिया है ना वो उसके लिए पॉसिबल होता है इम्प्योर और प्योर सेमी कंडक्टर की बेसिस पे है ना तो नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर तो अब देख लो जैसे हमने एक सेमी कंडक्टर को इम्प्योर सेमी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो उसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरह रिएक्ट करेगी नेगेटिव की तरह तो इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन रिट्रैक्ट होंगे और इसके पास सभी होल्स ठीक है तो होल्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है दोनों तो सेम डायरेक्शन में इट मीन्स टोटल करंट इज इक्व टू आई ई प्लस आई एच तो ई e जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और एच जो है ये वो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स की वजह से होता है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें रिलेशन है तो वीई इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और वी एच होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ये हमारे पास आ जाएगा दोनों तो का एडिशन अब हम इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ स्मॉल करंट के लिए क्या होगा होम स्लो को फॉलो कर सकते हैं तो आई इज़ इक्व टू बी एपोन आर होता है और आर इज़ इक्व टू रो एल एपोन ही होता है तो ये हमने पुट कर दिया इसमें से आई ई ई कॉमन ले लिया ये हमारे पास आ गया है ना इसके बाद हम क्या करेंगे इधर V अपॉन एल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है है ना तो आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वस टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपॉन में आ जाता है तो इसके भी अपॉन में होगा और इसके भी अपॉन में होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वस टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर मोबिलिटी ऑफ होल्स आ जाएगा तो यहाँ पर म्यू ई e और म्यू एच जो है वो इलेक्ट्री मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है तो यहाँ पर वन अपॉन रो बचेगा तो इट इज़ द रेजिस्टिविटी तो कंडक्ट कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी जस्ट अपोजिट है ना तो इसका मतलब वन अपॉन आ जाएगा तो ये थोड़ा सा देख लेना है ना सॉरी वन अपॉन क्यों आएगा वन अपॉन रो इज़ इक्वस टू कंडक्टिविटी क्योंकि वन अपॉन रो रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है कंडक्टिविटी तो ये ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा तो देखो द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ हायर देन द होल्स मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो हॉल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है क्योंकि हॉल्स शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन पहले मतलब पेयर से टूट के क्या होगा इस पे आएगा तो होल यहाँ पर बन जाएगा तो अगले पेयर से टूट के आएगा तो होल यहाँ पर बन जाएगा तो इस तरीके से शिफ्ट होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरे लैटिस में फ्रीली मूव करता है तो दैट इज़ द डिफरेंस सो इलेक्ट्रॉन हैज़ द ग्रेटर मोबिलिटी विद द कम्पेरिजन ऑफ होल्स द रजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डेंसिटी बट ऑल्सो ऑन देयर मोबिलिटी तो आप देख सकते हो कंडक्टिविटी उसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है ना कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं उसकी साथ साथ उसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है तो मोबिलिटी डिपेंड्स रिलेटिवली वीकली ऑन टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा तो मोबिलिटी भी कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी क्लियर तो ये भी एक रीज़न हो गया तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी ओके इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेमी Uh, and in this we read about the semiconductor and types of semiconductor and their applications in the electric circuit so we have to read in second part the combination of p and n type the if you have any kind of doubt related to first part then you can ask me in comment box thank you